हेयर कटिंग में थी लेकिन मैं व्लॉग बना रही थी तो मैं आपको दिखी नहीं, लेकिन मैं भी इधर ही हूँ। मॉर्निंग एवरीवन, मैं आज आपको मिलवाने जा रही हूँ महान हस्ती से। गुड मॉर्निंग भाई। ये मेरा भाई है अजय। तो आप लोगों ने इसको देखा नहीं था क्योंकि ये जॉब पर था जब भी मैं आई थी तब। वास्तु पूजा है ना उधर। हाँ। ओके, तो अभी भाई और डैडी जा रहे हैं मामा के घर पे। तो ये है मेरे दादा, वो अपनी लकड़ी के साथ रेडी हो चुके हैं। दादी वो भी रेडी हो गए है। मैं मस्त रेडी हो चुकी हूँ। मम्मी और ये मेरे डैडी और वहाँ पे मेरे दादाजी, हम चार लोग जा रहे है। भाई पहले से उधर है, दादी नहीं आ रही क्योंकि उसको थोड़ी सी चलने में प्रॉब्लम है। तो लेट्स गो। तो मैं आपको अभी मेरी सवारी दिखाती हूँ। मैं और बापूजी जाएंगे एक्टिवा में। तो ये रेडी हो चुकी है मेरी सवारी, ये मेरी एक्टिवा है। कई दिनों के बाद अभी मैं एक्टिवा चलाऊंगी। डैडी जा रहे हैं बाइक लेके। डैडी और मम्मी बाइक में जाएंगे, मैं और बापूजी मेरे एक्टिवा में जाएंगे। तो मैं ये भूत बन के रेडी हो गई। बस अभी यहाँ पर एक्टिवा पार्किंग कर दी है। तो फाइनली हम मामा के घर पे पहुँच चुके हैं। ये है मेरा मामा के घर। चलो आप सभी को अंदर लेके दिखाती हूँ। ये है मेरे संजय अंकल, ये मेरे विरल मामा जो भी नाश्ता कर रहे हैं, और यहाँ पे आज चाय है और साथ में अजय। ये ध्रुति है, वहाँ पे कल्पेश मामा है, हेलो। और ये डैडी और ये महान हस्ती ध्रुव, और उसके साथ है कैमरामैन राजन। दिस इज फॉर यू कॉफी। चाय तुम पीती नहीं हो? नो। जीजा जी पीते हैं। भी मैं आई हूँ, उसको एंजॉय नहीं कर रहा है, वो अपने जीजा को मिस कर रहा है क्योंकि वो चाय पीते हैं ना, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। जब दोनों साथ में होते हैं ना तो मस्त चाय पीते हैं, सुबह दोपहर को रात को। तो इनकी कंपनी को ये मिस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तो कॉफी पी के ऐसे ही मजे लूंगी। तो यहाँ पे मेरी नाश्ता के डिश अभी रेडी है, ऑलमोस्ट सभी ने नाश्ता किया है। मैं बाकी हूँ तो मैं भी कर लेती हूँ। मेरे नाना है स्वर्गीय श्री कांतिलाल गोविंद जी थान की, आज हम इनको भी बहुत मिस कर रहे हैं। वहाँ में पे मेरे नाना जी की फोटो लगी हुई है और यहाँ पे पूजा ऑलमोस्ट चालू हो चुकी है। और मैं अभी आपको मिलवाती हूँ मेरे मामा मामी से। तो ये है मेरे मामा और मामी। ये अभी दोनों बहन में ना वो झगड़ा चल रहा है कि तू मेरे घर पे नहीं, तू मेरे घर पे नहीं आई। अलका मामी, भावना मामी और निकुंज मामी ने बड़ी मेहनत से ये प्यारे से दीवड़े बना दिए हैं। इसका अभी वो पूजा में दीवा करने के लिए यूज होगा। बैठ के बातें कीजिए, लेकिन ये खड़े खड़े ऐसे चालू हो गए है। दोनों क्या बातें कर रहे हो अभी? आज वो पूरा कोथरा खाली नहीं होगा तब तक बातें चालू रहेगी। तो ये रूम मामा मामी का है, कुछ इस तरीके से ये सारे रूम ऐसे बन जाएंगे। हिरल का रूम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और ये है हिरल जो मुझे सारा घर दिखा रही है, और अभी लेके आई है मुझे उसके रूम में। वाव। तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा कमरा हिरल का। यहाँ से कितना मस्त व्यू आ रहा है। मामा ने अपने घर में ऐसी लिफ्ट भी फिट करवाई है ताकि कोई को ऊपर नीचे जाने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा कुछ राजन का रूम बन जाएगा। सभी जगह पे ऐसा 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 लंबी लंबी विंडो लगी हुई है। यहाँ पे ये पूरे का पूरा प्रसाद मेरा है, खजूर नहीं है इसमें। यहाँ पे आइसक्रीम खाई जा रही है। जल लीजिए, उसकी तरह आइसक्रीम लीजिए। अभी वास्तु पूजा थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और अभी हम लोग खा रहे हैं लंच करने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं संजू अंकल की गाड़ी में। हाय संजू अंकल। हाय। और यहाँ पे पीछे है जस्टी, हस्ती, ध्रुति, हिरल, राजन, नहीं ध्रुव। हाय हिरल। मामा
શું કયો છો તમે આજે કોઈને સુવાનું નથી એમ કોઈને હોવાનું નથી આજે એવું તો ભાઈ આજે બધાને સુવાનું નથી બધા અહીંયા જ બેસીને મોજ મજા કરવાના છીએ કે રમવાના છીએ કે એમને બેસવાના છીએ વાતો જ કરવાના છીએ तो अभी आ गए हैं लाइव केक क्राफ्ट बेकर शॉप हमारे शेफ है और उनका बर्थडे है तो उनके लिए केक अभी रेडी तो ये मेरे मासी है हाय मासी आई एम गुड हमारे जोया फाई की पार्टी है तो उसके बर्थडे की पार्टी अब सेलिब्रेट करेंगे सभी लोग यहाँ पे बाहर वेट कर रहे हैं 7:10 में हम जाएंगे रेडी हो गए हैं सभी लोग हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए अभी सब लोग को हम ऐसे संभाल रहे हैं कि किसको किधर खड़ा रहना है ये देखिए मेरा प्यारा सा मंथु वो अभी थोड़ा भी उठा हुआ है ना तो अभी उसका मूड अभी इतना नहीं है राजन हर्ष वहाँ पे मेरे दो मासी नानी और ये बर्थडे गर्ल मासी वहाँ पे मासी बहुत सारी मासी मामी आज सभी इकट्ठे हो गए है ये हमारे मामा वीरल मामा जो अभी कैंडल जलाएंगे हो रही है फिर थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे चलो कोई बात नहीं वो भी सब लोग साथ में होते हैं तो ऐसा इमोशनल सीन हो जाता है नानी माँ है और ये मेरे फैबा है मैं केक कटिंग में थी लेकिन मैं ब्लॉग बना रही थी तो मैं आपको दिखी नहीं लेकिन मैं भी इधर ही हूँ पीछे ये हमारी सारी फैमिली है तो अभी हमने ये पूरा बुक कर दिया था कोई भी चेयर खाली नहीं है बैठने के लिए अभी हम अरेंज कर रहे हैं जिसको किधर बिठाना है थैंक यू सो मच दीपक मामा और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आज मस्त आपने जो मकान का वास्तु पूजन किया है बहुत कुछ बोलना चाहता था लेकिन अभी चूर लेके आए थे चूर लेके जाएंगे वो भूख लगी है ना बापू है यहाँ पे मम्मी मामा मासी और रिवान हाय रिवान और यहाँ पे हमारे कल्पेश मामा ये मेरे मामा तो है लेकिन साथ में मेरे सर भी थे मैंने इनके पास ट्यूशन लिया हुआ है और ये हमारी अलका मामी ये मेरे निकुंज मामी और ये भावना मामी है ये भी कहीं भी गेस्ट है यहाँ पे और ये नानी ये भी नानी मासी नानी नानी माँ फैबा शांति मासी और ये किरण मामी हाय आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आज के लिए हमें केक लेने आई हुआ था ना डोसा खाने जासु मित्रों और ये अजय और देवांग मामा हेलो विरल मामा हेलो हमारे प्रकाश मामा और निधि मामी हेलो ये स्पेशल बेंगलोर से आए हुए हैं क्योंकि आज वास्तु पूजा थी तो आपने सभी को मिल ही लिया होगा ऑलमोस्ट और यहाँ पे हाय डस्टी हस्टी और हमारी ज्योति वो भी यहाँ पे है हम लोग हीरल को भी मिस कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ वो प्रोजेक्ट वगैरह था तो वो नहीं आ सकी फैबा को बोल देते हैं हैप्पी बर्थडे वंस अगेन फैबा
तो ये क्या है मामा? अभी कुछ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। तो ये मामा ने मुझे बढ़िया सी, मुझे नहीं सभी को गिफ्ट दी है, मैं निकाल के आपको मामा दिखाएंगे। तो प्यारा सा थैंक यू मामा ने सभी को दिया हुआ है, सो थैंक यू। तो यहाँ पे मस्त केक खाई जा रही है। गोल्डन एडवाइस मामा अभी दे रहे थे, क्या दे रहे थे आप अभी? घर में कौन उचाले छे, એટલે ઘર માં મામા નું નથી ચાલતું, એક્ચ્યુઅલી મામી નું ચાલે છે, હું સમજી લઈએ ને અમે। अपनी दीदी केक टेस्ट कर रही है, कैसी लगी केक? बढ़िया है। कितनी कैसी लगी? कितनी सारी। तो अभी डिनर हमारा आ गया है, आज के खाने में डोसा और ये सांभर और ये कोकोनट चटनी। तो खाली पेट को इस सभी चीजों से हम भर लेंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, मैसूरी डोसा है, ये मसाला डोसा है, प्लेन डोसा है, सारे डोसा अभी आ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप प्लेट में और हम खाने लगेंगे। मार्केट में आ गए हैं। कौन सा डोसा है ध्रुति? मैसूर। पहले कौन सा खाया हमने? मसाला डोसा। मसाला। अच्छी बात ये है कि ये आपको ना पहले ही इतने छोटे छोटे पीस देते हैं ताकि आपको टेस्ट का पता चल सके कि हमको कितना खाना है कितना नहीं खाना है, उस हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हो। ध्रुति ना बहुत ही लकी है, उसको एक ही साथ ये दो पीस अभी मिल गए हैं। हम लोग को ये एक एक ही पीस मिला है ना दृष्टि? इनको दो पीस मिल गए। कोई बात नहीं, हमको भी दो पीस मिल जाएंगे। मैसूर और मसाला डोसा खाने के बाद जैसी वैरायटी आई है पेपर डोसा की, तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। स्टोरी विच मसाला डोसा बहुत गर्म था तो मैंने ऐसे खोल दिया है, थोड़ा सा ठहर जाए ना, बाद में मैं खाऊंगी। दिस इज द टेस्ट ऑफ वडोदरा, का जो मेन एंट्री गेट है वो है। सो अभी हम घर जा रहे हैं विच राइडिंग विथ ब्यूटिफुल सिस्टर अवनीति। आप देख सकते हो उनके पीछे ऐसे राइड करने में इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अब देखते हैं, कजिन्स में तो बहुत मजा आती है। स्ट्रीट्स ऑफ वडोदरा। अभी मैं बैठी हूँ अवनीति के पीछे एंड उनके पीछे राइड करना खतरों से खाली नहीं है। चीजों का बच्चा है भगवान। आज यहाँ पे दोनों लोग बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं अभी पता चल जाएगा। संजय पौरिया बर्थडे बोल रहा हूँ। ओके। फिर ध्रुति पटेल जो उसके पापा कुमार पटेल ने बताया है। फिर जिग्ना बेन जो उसकी बहन खुशाली चाखोत्रा ने बताया है। और चौथा बर्थडे है मानव कुमार की मम्मी और हमारी कृष्णा की सासू माँ मधुबेन का। हैप्पी बर्थडे, सबको बहुत बहुत बधाई हो। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गए। भाई भावना बहन सुथार ने बताया है, उसके दो भाई है, उसका एनिवर्सरी है, राजू भाई और भावना बहन। फिर जगदीश भाई और जयश्री बहन, हैप्पी एनिवर्सरी दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मौज कीजिए। बाकी तमे चूं लेने आईवा तने चूं लेने जासो मित्रो। वालीडाओ कमेंट उ कई रहना गयो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।